बात करते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश से हो रही तबाही की अब दो तस्वीरें आपको दिखाने जा रही हैं। यहां बारिश और लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, वही दूसरी ओर आप देख पा रहे हैं ये हल्द्वानी की तस्वीरें हैं, जहां भारी बारिश से गौला नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जिले में 22 से ज्यादा सड़कें अब बंद हो गई हैं। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में बह गए घर और पहाड़ से लगातार भारी भरकम पत्थर जैसे गिर रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कें अब बंद हो चुकी हैं। वहीं अब अगली खबर देहरादून से, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 5 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 9 जिलों में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल में अलर्ट दिया गया है। उधम सिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार में भी चेतावनी दी गई है। तो मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल में अलर्ट है। और अब बारिश से कहां कहां पर कहर मच रहा है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। पहाड़ी इलाकों में बारिश से उफान पर बरसाती नाले जो हैं वो यहां पर भर चुके हैं। मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तमाम जनता परेशान हो चुकी है। मौसम विभाग ने यहां पर अलर्ट जारी कर रखा है। अगले 5 दिनों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी, 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और क्या कुछ अपडेट है इसकी जानकारी लगातार हम आपको देंगे। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, ग्राफिक्स जरिए उधम सिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, देहरादून कई जगहों पर यानी कि 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और वही चमोली में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जगहों पर नदी और नालों में उफान है। लामबगड़ में खचरा नाला जो नाला भर गया है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। नालों के सड़क पर बहने से हाईवे को काफी नुकसान हुआ है। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगड़ के पास बंद हो चुका है। हाईवे बंद होने से 200 से अधिक यात्री फंसे हुए हैं। गोपेश्वर उखी मठ मार्ग मंडल धोती धार के बीच बंद पड़ा है। गोपेश्वर हाफला पोखरी रूट भी भूस्खलन के चलते बंद है। वह जिले के 39 ब्रांच सड़कें भी बारिश और भूस्खलन के कारण बंद हो चुकी हैं। यह इंडिया न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दे रहा है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी फोनलाइन पर देवेंद्र जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं, भयावह तस्वीरें। ये जो आपदा है इससे अब तमाम जनता परेशान हो चुकी है। किस तरीके से तमाम जनता के लिए यहाँ पर सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है? अभी तक कितने लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है? जी, चमोली की बात करें तो चमोली के बद्रीनाथ धाम को जाने वाले लगभग 80 से अधिक यात्री जो हैं वहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि पैदल मार्ग जो है वहां पर खुला हुआ है, पैदल मार्ग से उनकी आवाजाही कराई जा रही है। चमोली जिले में बारिश का दौर जो 2-3 दिन से चल रहा, उससे लोग भयभीत हैं। नाले उफान पर हैं, लोगों कई जगह भूस्खलन से गाँव में अफरा तफरी है। लगभग 5 मकान जो है सोनला में क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो ऐसे में दिक्कतें बढ़ रही हैं। हालांकि अभी जनहानि की कोई बात नहीं आई है, लेकिन दहशत में लोग अभी भी हैं। बद्रीनाथ यात्रा चलने से यात्री जगह जगह फंस रहे हैं, जगह जगह हाईवे पे भूस्खलन हो रहा है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से मैदानी क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर हैं। हल्द्वानी में गौला नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। भारी बारिश से छोटे नालों में उफान पर है, जिससे आसपास की बस्तियों में पानी घुस चुका है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिससे भूस्खलन की सूचना पर तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया जा सके। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती की गई है, ताकि लोग जब भी रोड पार करें तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो।
और इस बीच चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गौला नदी का जलस्तर बढ़ा, बारिश से उफान पर नाले। नैनीताल में करीब 22 सड़कें बंद हो चुकी हैं और वहीं नाले में फंसा बाइक सवार। ये चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच मसूरी में भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है। घर में पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि भारी बारिश के चलते नाला बंद होने के कारण सड़क से पानी उनके घरों में घुस गया, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर यहाँ पर खराब हो गया। माफ कीजिएगा, जब तक जितने भी सामान थे वो पानी में बह भी गए हैं और इस पानी में जो सामान रखे गए थे वो सब बेकार हो चुके हैं। और वही बारिश से हुए नुकसान पर स्थानीय लोगों और एसडीएम का क्या कुछ कहना है, सुनिए। पानी ने सारा बिल्कुल खत्म कर दिया और हालत यह है कि यहाँ के सारे नाले बंद हैं, प्रशासन कोई सुनने के लिए राजी नहीं। और इन नाले बंद होने की वजह से सारा पानी सड़कों पर घरों में घुस रहा है। तो आपको पता है कि नाले बंद रहेंगे तो यहाँ पानी जरूर आएगा। और आप देखिए मेरा नुकसान कम से कम 2 लाख रुपए का। आप देखो मैं हमारे बच्चों पे कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या कोई प्रशासनिक अमला आया आपके सुध-बूध लेने? कोई नहीं आया। यहाँ का है और लोक निर्माण विभाग का है। और क्योंकि सबसे पहले नगर पालिका को बरसात, यहाँ पता है कि 6 महीने बरसात रहती है, उससे पहले ही हमारे अधिकारियों को जितने हमारे नाले खाले हैं इनकी सफाई होनी चाहिए। पूर्व में भी डीएम साहब द्वारा स्पेशल एक पैसा आता था, बजट आता था नालों की सफाई के लिए, परंतु आजकल नालों पे कब्जा हो गया। अभी ये जो 5-स्टार होटल है सवाई होटल, ये आप देख ही रहे हैं, इनका पुस्ता बना, सारा मलबा उस नाले के अंदर भर गया और वो सारा पानी डाइवर्ट हुआ। ये जो गड्डी खाने में हमारी एक डिस्पेंसरी है, वेटनरी डिस्पेंसरी है, आपने देखा होगा, वो सारा पानी झरने के रूप में वहां आया और वहां पुस्ता भी गिर गया, जो कि पीडब्ल्यूडी का एक पुस्ता है, वो भी आपने देखा होगा, वो उसी कारण से ढहा क्योंकि उसके अंदर पानी भर गया। बरसात से जिन मसूरी में जिसको भी नुकसान हो रहा है, इनके घरों को या उनके बर्तन कपड़े वगैरह, तो इसको हम तत्काल उनको राहत राशि वितरित कर रहे हैं। पूर्व में भी 10 चेक यहाँ पर वितरित किए गए हैं और जैसे कि संज्ञान में आया है कि एक जगह पे जो है अभी 5-6 परिवारों को हमारे नायब तहसीलदार गए थे और उनके द्वारा ये बताया गया कि 6 परिवारों के को जो है हम 5 परिवारों को जो है उनके घर में पानी घुसने की बात आई है और उन्होंने इंस्पेक्शन भी कर लिया, तो इसको हम तत्काल जो है कल ही इनकी जो है P20 बना करके और अहतुक सहायता जो है वितरित करेंगे। और वही मसूरी में लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी अब बढ़ती जा रही है। मसूरी देहरादून मार्ग भारी भूस्खलन होने से 60 मीटर रोड ढह गई है, जिसके बाद वाहनों को कितनी दिक्कतें हो रही उनकी आवाजाही में ये आप देख पा रही हैं। कल से सड़क किनारे पहाड़ी को काटकर रोड का चौड़ा किया जाना था, लेकिन लगातार तेज बारिश की वजह से ये काम नहीं हो पाया। एसडीएम ने बताया कि मसूरी देहरादून मार्ग पानी वाले बैंड के पास पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। वही बारिश के कारण सड़क की मरम्मत में परेशानी आ रही है। और वही इस मामले में एसडीएम और कोतवाल का क्या कुछ कहना है, सुनिए। हमने जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे AEPWD और मैंने स्वयं जो है मसूरी देहरादून मार्ग का निरीक्षण किया। मेन जो इश्यू है वो पानी वाले मोड़ पर है, जो कि 50-60 मीटर रोड टूट गई है, तो उसके लिए अभी तक तो जो छोटी गाड़ियों की आवाजाही चल रही है, बड़ी गाड़ियों का वहाँ पे रिस्की होगा, उसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं। मौके पर जो है पहाड़ी काटने का वहाँ पे ऑप्शन बन नहीं पा रहा है, क्योंकि जस्ट उसके ऊपर जो है सड़क का दूसरा बैंड आता है और उसको नीचे से जो है पुस्ता तोड़कर और दोबारा जो है पुस्ता बनाने की उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जो है लगभग 15-20 दिनों का टाइम इसमें लगेगा। फिलहाल हमारी रणनीति ये रहेगी कि उसको जो है ज़्यादा इतने 15 दिन तक जो है हम लोग उसको जो है यातायात को प्रतिबंध नहीं कर सकते। और वही उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम बात करें तो प्रदेश में अभी तक 416 नए संक्रमित मरीज मिले हैं बीते 24 घंटे में। इसके साथ ही अब संक्रमित मरीजों की संख्या 11,000 पार हो चुकी है। अब तक प्रदेश में 7,014 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं 143 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अभी भी 4,103 एक्टिव केसेस हैं। मरीजों की डबलिंग दर 23.10 दिन पहुंच गई है, जबकि रिकवरी रेट 62.12% पहुंचा है।
सबसे ज्यादा 192 केस उधमसिंह नगर में सामने आए हैं। वहीं अगर बात करें हरिद्वार में तो यहां पर 109 केसेज सामने आए हैं। देहरादून में अगर बात करें तो यहां पर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। 36 केसेज आए सामने, नैनीताल में 15, अल्मोड़ा में 1, बागेश्वर में 9, चंपावत में 16, पौड़ी में 5, रुद्रप्रयाग में 4, टिहरी के 16 और उत्तरकाशी में 15 संक्रमित मरीज आए हैं सामने। और इस बीच कोरोना का कोहराम किस तरीके से मच रहा है इसकी जानकारी हम आपको देंगे। 24 घंटे में कोरोना के 416 नए केसेस आए सामने। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4103 है। 7000 मरीज अस्पताल से हो चुके हैं डिस्चार्ज। बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको ये आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना से अब तक 143 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश में कोरोना मरीज रिकवरी रेट 62.12% हो गया है। देहरादून में 7, हरिद्वार में 423 कंटेनमेंट जोन है। और वही उत्तराखंड में पहली बार कोरोना संक्रमण की दर 5% पहुंच गई है। एक महीने के भीतर संक्रमण दर 4.08% से बढ़कर 5.00% पर पहुंची है। नैनीताल जिले की सबसे अधिक 8.2% संक्रमण दर है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने सैंपलिंग जांच बढ़ाई है। अब रोजाना औसत 6000 सैंपलों की रिपोर्ट आ रही है। प्रदेश में अब तक 2.17 लाख सैंपलों की जाँच हो चुकी है और संक्रमित मामलों का आंकड़ा 11000 पार कर गया है। सैंपल जांच बढ़ने के साथ ही संक्रमण दर बढ़ रही है। पहली बार प्रदेश की संक्रमण दर 5.0% पहुंची है। पर्वतीय जिलों की तुलना में मैदानी जिले नैनीताल, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, देहरादून जिले में संक्रमण की दर अधिक है। और वही मसूरी विधायक गणेश जोशी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उत्तराखंड में सेना भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही है। अक्टूबर में सेना भर्ती आयोजित करने का अनुरोध भी किया है। विधायक जोशी ने जनरल रावत को भेजे पत्र में लिखा है कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के लिए युवाओं के लिए भर्ती रैली का आयोजन जून 2020 में कोटद्वार में होना था, जिसके लिए युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन भी किया था, लेकिन कोरोना के कारण सेना को भर्ती रैली स्थगित करनी पड़ी। विधायक जोशी ने बताया कि अन्य राज्यों में भर्तियों के लिए सेना ने अक्टूबर 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अभी तक कोई निर्णय सेना ने नहीं लिया है। इस मामले में बीजेपी विधायक गणेश जोशी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। एक सैनिक बहाली प्रदेश है, अधिकतर यहां के युवा सेना भर्ती होकर देश की सेवा करते हैं और यहां पर सेना द्वारा भर्ती रैली जून 2020 में कोटद्वार में आयोजित की गई थी। और वही उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिले के होटल, धर्मशाला और आश्रमों को अब कार्रवाई के जद में आ चुके हैं। तो इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। होटल, धर्मशाला और आश्रमों ने जल और हवा निकासी सहमति पत्र के लिए आवेदन नहीं है। विभाग कब इनका डाटा तैयार करेगी और मुख्यालय भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। दरअसल होटलों, धर्मशालाओं और आश्रमों को उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक सहमति पत्र के लिए आवेदन करना होता है, जिसमें अपने यहाँ से पानी और हवा के निकासी का स्पष्टीकरण देना होता है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पूरे उधम सिंह नगर जिले में 192 होटल, 25 धर्मशालाएं और 2 आश्रम हैं। इनमें से 107 होटल, 4 धर्मशालाएं और 1 आश्रम ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सहमति पत्र के लिए आवेदन नहीं किया है। जो प्रदेश में होटलों का, धर्मशालाओं का और आश्रमों को सहमति के दायरे में लाने के हमारे प्रयास हैं और पिछले 1-1.5 साल से हम प्रयासरत हैं कि ये होटल, आश्रम, धर्मशालाएं जितनी भी हैं ये हमारे सहमति के दायरे में सम्मिलित हो जाएं। इसके लिए पिछले 1 साल से हमने इनको सोपो जारी किए, तमाम नोटिस जारी किए और इसके साथ ही साथ जो हमारी फीसें हैं, जो शुल्क हैं, जो अधिभार बहुत ज़्यादा था पिछले जो जब से होटल चले तब से हम इनका शुल्क लेते थे, ब्याज आरोपित करते थे, उनको सरलीकरण करते हुए सिंगल टाइम एक तो फीस का स्लैब बदल दिया हमने, बहुत कम नॉमिनल फीस रखी है और अब इतनी सुविधा हमने दे दी है कि आप आ जाइए ये और 1 साल की फीस के साथ हमें आवेदन करिए, हम आपको कंसेंट टू ऑपरेट कंडीशनल हम दे देंगे।
और वहीं उत्तराखंड किसान आयोग के अध्यक्ष राकेश राजपूत ने रुद्रपुर में विकास भवन सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सरकार की ओर से किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई है। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी किसानों के मिले इसके लिए अधिकारियों को मेहनत और लगन से काम करना होगा। किसान जब उनके कार्यालय में पहुंचता है तो उसे पूरा सम्मान दिया जाए और उसके बैठने के साथ ही पानी, टॉयलेट, बाथरूम की व्यवस्था भी की जाए ताकि किसान को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो और किसान अपने आप में गर्व महसूस कर सके। जनपद उधम सिंह नगर के सारे किसानों से संबंधित सभी अधिकारी थे, अपने प्रदेश के उपाध्यक्ष, किसान आयोग के उपाध्यक्ष भाई राजपाल सिंह जी, गौरव जी और अन्य अपने किसान आयोग, किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान जी, ये सब लोग आए थे। और ये समीक्षा बैठक थी कि जो योजनाएं केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की हैं वो किसानों को कितना लाभ पहुँचाए। और वही टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा में देर रात एक मकान के आंगन में गुलदार आने से अड़कम मच गया। स्थानीय लोगों ने अपने कैमरे में तेंदुए को कैद कर लिया। लोगों ने वन विभाग को इस पूरे मामले की सूचना दी। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी इस तरह से बात करते हैं, कोई बड़ी घटना होगी तभी इस पर एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कीर्ति नगर ब्लॉक में लगातार आए दिन जंगली जानवर आते रहे हैं। और ये तस्वीरें आपके साथ। बगल में रात को 12:30 बजे बाघ आया और यहाँ पे एक दहशत का माहौल है बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कल को कोई घटना घट जाए। इसलिए मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करती हूँ कि कुछ यहाँ पे से जल्द सुरक्षा की जाए ताकि कोई ऐसी घटना ना घटे जिसके वजह से लोगों को पछताना पड़े। तिरावत ग्राम जाखनी से बोल रही हूँ मैं। आपको कल रात कैप्चर किया हुआ बाघ की खबर दूंगी। ये वो छत है जहाँ हमने कल रात 12:30 बजे बाघ देखा और मेरे राहुल भैया द्वारा वीडियो में कवर किया गया। और मैं आपसे आपको ये बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने बहुत सुना कि इधर बाघ दिख रहा है, ग्राम जाखनी में बाघ दिख रहा है, तो हम लोगों ने ये शिकायत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में की तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने हमें ये दिलासा दिया कि ये वो बाघ नहीं है जो आदमखोर हमला करेगा, बल्कि आप लोग सुरक्षित रहो। और वहीं UPCL के MT नीरज खैरवा हरिद्वार दौरे पर रहे। नीरज सिंगल ने कुंभ मेला क्षेत्र में चल रहे अंडरग्राउंड लेवल के कार्य में तेजी लाने के लिए समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 15 अक्टूबर तक के लिए काम पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर अंडरग्राउंड केबल का काम होने के बाद हरिद्वार का सौंदर्यीकरण तो होगा ही, साथ ही भविष्य में दुर्घटना का रिस्क भी कम होगा। वह इस काम में देरी पर नीरज खैरवाल ने कहा कि जिस किसी भी विभाग की वजह से ऐसा हुआ है उसकी जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। आज उसके लिए एक कोऑर्डिनेशन और समीक्षा बैठक की गई जिसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय भी आए, हमारे अपर मेला अधिकारी हरबीर जी और ललित जी थे, हमारे डायरेक्टर रोहतान जी और उनके साथ पूरी टीम थी, कार्यदायी संस्था थी, NHAI के भी PD आए थे। उन सभी से विभिन्न बिंदुओं पर देखते हुए डायरेक्शन दी गई है कि जो कार्य अभी तक स्लो हुआ है उसके लिए देखा जाएगा कि क्या कारण है, उस पर भी कार्रवाई करें अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। और भविष्य में भी जो काम समय से पूरे, उन्होंने 15 अक्टूबर तक का टारगेट दिया गया कि सारे काम हो जाने चाहिए, अगर कहीं पर क्वालिटी ख़राब है उसको भी चेक किया जाएगा। एक सेफ्टी ऑडिट के लिए भी मेला अधिकारी दीपक राव जी से अनुरोध किया जा रहा है कि वो भी एक सेफ्टी ऑडिट की, क्योंकि इसमें गैस की पाइपलाइन भी है, फाइबर भी है, बिजली भी है, तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए सेफ्टी एक ऑडिट। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।